चलो आगे ना बच्चे, शुरू कर दे। जितने भी जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो लेफ्ट साइड, इस साइड, राइट हैंड साइड आपके बैठ जाएं, और जितनी भी महिलाएं हैं वो इस साइड बैठ जाएं। बच्चे आप पुरुषों के साथ बैठे, व्यवस्था बनाए रखें। और जल्द ही ये क्विज प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आइए आइए आइए, बच्चों को भी भाई माइक चलेगा, सुनो बच्चों के लिए माइक, बच्चों को माइक चलेगा भैया। चाहते हैं एक
सुव्यवस्थित ढंग से कर सुव्यवस्थित ढंग से कर सकती है। यह हमारी सुमित्रा जी के उदाहरण से आप लोग सब देख सकते हैं। अब हम लोग अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये पीछे जितने भी बच्चे हैं इनमें से भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आगे आ जाओ बच्चों। हेलो, जो स्कूल से बच्चे आए हैं कृपया वो आगे आकर सीट ग्रहण कर ले प्लीज। जो भी बच्चे स्कूल से आए हैं वो अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ले। एमडी स्कूल से जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कृपया वो अपना नाम लिखवा दें। सभी बच्चे आगे आ जाएं भैया, सभी बच्चे आगे आ जाओ। बच्चों कुर्सियां खाली पड़ी, आगे आ जाओ आप सभी बच्चे, आगे आ जाओ कुर्सियों पे बैठो, कुर्सी आपके लिए ही है। देश के भविष्य हो, आगे आ जाओ, इन कुर्सियों के ऊपर बैठ जाओ बच्चों। सुनील जी डांगी एमडी स्कूल, सुनील जी डांगी एमडी स्कूल कृपया मंच के ऊपर पधारे, मेरी आवाज सुन रही है? सुनील जी डांगी एमडी स्कूल कृपया मंच के ऊपर पधारे। जो भी कुर्सियां खाली पड़ी है उन कुर्सियों पे बैठना है, सभी बच्चों से निवेदन कुर्सियों पे बैठना है। बाकी पीछे हो जाओ, कोई आगे नहीं आएगा बाकी पीछे। जो भी बच्चे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम प्रदीप जी मोदी को लिखवा दें। आज शाम आपके नाम, सुनिए सुनिए सुनिए, आज शाम आपके नाम शोभा यात्रा के दिन चार चांद लगाने वाले रामू एंड पार्टी सिरसा वाले आज शाम 6 बजे आपके बीच अपनी वानर सेना को लेके पधार रहे हैं। जो भी बच्चे 8 से 12 वाले इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम प्रदीप जी को लिखवा दें। 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे, इसके बाद कॉलेज के बच्चों का कंपटीशन होगा। जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं थोड़ा जल्दी कीजिए। हेलो, सभी बच्चे आगे आ जाएं प्लीज, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, रास्ता अपने पास आगे आ जाओ। नन्हे मुन्ने बच्चों आगे आ जाओ सभी, ये पीछे गर्ल्स खड़ी है, आगे आ जाओ बेटा। सभी स्कूल के बच्चे, जो भी स्कूल के बच्चे हैं, गर्ल्स गर्ल्स पहले, गर्ल्स पहले आगे जाओ बेटा, आगे जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। जो भी स्कूली बच्चे हैं कृपया लाइन से पीछे की साइड लाइन से आए पीछे की साइड लाइन से आए। स्कूली बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात, पीछे की साइड से रास्ता है, पीछे की साइड से रास्ता है, आराम से आए लाइन में लागे। बॉयज पीछे से आ जाइए, ये बॉयज खड़े हैं ये भी पीछे से आ जाइए। गर्ल्स आगे आ जाओ बेटा, तेजी से आगे आ जाओ फटाफट। गर्ल्स आगे आगे, गर्ल्स बैठेंगी उनके बाद लड़के। शांति से और तरीके से डिसिप्लिन के साथ सभी को आना है, अपनी अपनी संस्था का नाम करना है कि उस स्कूल के बच्चे आए थे। बहुत ही शालीनता के साथ आपको बैठना है, अच्छा प्रोग्राम होगा और जो भी
जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम लिखवाएं, वो आगे आ जाएं बेटा। जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं, वो आगे आ जाइए फटाफट। जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं अपना इस प्रतियोगिता में, अपना हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, अगर पीछे खड़े तो हाथ ऊपर कर सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स। आज शाम आपके नाम, ध्यान से सुने, आज एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम रामू एंड पार्टी द्वारा आपके बीच किया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जो भी बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, 8 से 12 वाले बच्चे, वो अपना प्रदीप जी को लिखवा दीजिए, शीघ्र करिए, काफी लेट हो रही है, विलंब हो गया, जल्दी कीजिए, अपना नाम लिखाइए ताकि हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। लड़कियां आगे आ सकती है, और भी जगह अपने पास, और भी जगह, खूब जगह है, और सभी एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोल पंडित जी महाराज की, बोल पंडित जी महाराज की, सभी एक साथ जोर के बोल पंडित जी महाराज की। आज शाम को रामू एंड पार्टी द्वारा फिर से आपको सूचित करना चाहता हूं, बहुत ही शानदार रंगारंग प्रोग्राम आपके बीच। हाँ भाई, आगे आके बैठ जाइए, ये छात्राएं जो भी खड़ी है प्लीज व्यवस्था बनाइए और आगे आके बैठ जाइए, आप लोग इधर बैठिए। प्लीज आप लोग आगे आके बैठिए, व्यवस्था बनाए रखिए। हाँ बच्चियों, आप कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, आप लोग आगे आइए, आगे बैठने की जगह है। जो बच्चा अपना नाम लिखवाना चाहता है प्लीज वो आगे आकर अपना नाम लिखवा दे। और फिर से मैं आपको सूचित करना चाहूं, श्री महादेव आर्ट ग्रुप सिरसा हरियाणा द्वारा रामू राजस्थानी मंगल पागल बाबा जी के नाम से विख्यात आज आपके बीच फिर से आ रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठने के लिए जगह, बैठ जाओ सभी। हाँ भाई, अब लोग हम लोग अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। चेयर भी खूब खाली पड़ी है, बच्चे लोगों से निवेदन है, चेयर खूब खाली पड़ी है, चेयरों पे बैठ जाओ भैया, आपके लिए व्यवस्था है, पहले आओ पहले पाओ। बच्चे अपना अपना परिचय दे रहे हैं, उसके बाद गुरुजी प्रदीप जी मोदी, अनीता जी मोदी, एक जगह एक डिवाइस के ऊपर खड़ा हो गए और मन संचालन करें प्लीज। भव्य आगे एक बार फिर से सभी में महाराज की जय, बोल पंडित जी महाराज की जय। आप अपने पीछे दीजिए। माय नेम इज भव्य सुरेलिया, भव्य सुरेलिया, भव्य सुरेलिया, भव्य कुमार स्कूल लोहिया पब्लिक स्कूल, लोहिया पब्लिक स्कूल, भव्य कुमावत जी, जो नाम लिखाया है वही बताइए, आप बताइए। माय नेम इज हर्ष पायल, हर्ष पायल, स्कूल नेम लोहिया पब्लिक स्कूल चिड़ावा राजस्थान, लोहिया पब्लिक स्कूल।
हेलो माय नेम इज नेहा नेहा आगे कुछ नहीं लिखा है ओनली नेहा नेहा स्वामी नेहा स्वामी स्कूल नेम लोहिया पब्लिक स्कूल चिड़ावा ओके नेक्स्ट माय नेम इज कोमल कोमल ओनली कोमल लिखा है हाँ स्कूल नेम लोहिया पब्लिक स्कूल कोमल नेक्स्ट मायसेल्फ शशांक जांगिड शशांक जांगिड शशांक जांगिड स्कूल नेम जीवनी इंटरनेशनल स्कूल मायसेल्फ डिंपल शर्मा फ्रॉम जीवनी इंटरनेशनल स्कूल अड़ुक्का चढ़ावा डिंपल शर्मा ओके नेक्स्ट माय नेम इज दिव्या दिव्या स्कूल नेम विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल चढ़ावा विवेकानंद नेक्स्ट महेंद्र जी मोदी जहाँ कहीं भी एक बार प्लीज मेरे पास आए स्टेज के ऊपर महेंद्र जी मोदी माय नेम इज केशव केडिया केशव केडिया स्कूल नेम सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल सेंट विवेकानंद पर ओके नेक्स्ट चेक कर ले हो ना माय नेम इज भाविका ककरानिया भाविका ककरानिया जी स्कूल नेम सेंट विवेकानंद पब्लिक सेंट विवेकानंद नेक्स्ट बोल माइक नहीं चल रहा है ये बोलिए माय नेम इज उदय मोदी ओके स्कूल नेम डालमिया विद्या मंदिर ओके नेक्स्ट दीपक कुमार सैनी दीपक कुमार स्कूल हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी नेक्स्ट माय नेम इज हिमांशी मोदी डालमिया विद्या मंदिर स्कूल ओके एमडी स्कूल के बच्चे यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कृपया स्टेज पर आ जाएं थोड़ा जल्दी कीजिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं फिर से निवेदन करना चाह रहा हूं जो भी मेरे युवा साथी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं वो एक बार मंच पे आगे अपना नाम लिखवा दें क्लास 8 to 12 जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे युवा साथी हैं एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर दें कि जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वहीं खड़ा खड़ा कर दें जो भी मेरे युवा साथी खड़े पीछे एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रतियोगिता में जो भाग ले हैं वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दें और जल्दी से जल्दी स्टेज पे आए पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दे हम लोगों की अब चार टीम्स बन चुकी है ए बी सी और डी ये चार टीम्स हम लोग बना चुके हैं आप ए आप लोगों की बी टीम है आप लोगों की सी टीम है और आप लोगों की डी टीम है आप लोग सबसे पहले इस प्रतियोगिता के नियम सुन लीजिए देखिए सबसे पहले ए टीम से प्रश्न पूछा जाएगा ए टीम के द्वारा सही जवाब देने पर उस टीम को 10 नंबर दिए जाएंगे और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जवाब देने के लिए यदि 30 सेकंड में जवाब नहीं देते हैं तो बैल बज जाएगी स्टॉप या खत्म हो जाएगा उनका टाइम और दूसरी चीज ये तय कर लेंगे कि जवाब केवल एक टीम में एक ही प्रतिभागी
लगी देगा। चारों टीम्स में से जवाब केवल एक स्टूडेंट देगा, क्योंकि चारों यदि अलग अलग जवाब देंगे तो बड़ी असमंजस की स्थिति होगी। तो केवल एक टीम में से एक बच्चा ही क्वेश्चन का जवाब देगा आपस में पूछकर। गलत आंसर देने पर वह क्वेश्चन आगे वाली टीम को पास कर दिया जाएगा। जैसे ए टीम ने यदि सही जवाब नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन बी टीम को दिया जाएगा। बी टीम के द्वारा सही जवाब देने पर उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और उनको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। बी टीम ने भी यदि जवाब गलत दिया है तो वो प्रश्न सी टीम को दिया जाएगा, और सी टीम के द्वारा भी सही जवाब देने पर 5 नंबर दिए जाएंगे, और सी भी नहीं देता है तो क्वेश्चन पास हो जाएगा डी टीम को। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बी टीम से, बी टीम को भी 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और सही जवाब होने पर उनको 10 नंबर दिए जाएंगे, और गलत जवाब देने पर वो क्वेश्चन दूसरी टीम को पास कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद हम लोग सेकंड राउंड करेंगे, और ये मान लीजिए कि निर्णायकों का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, उसमें कोई भी स्थिति नहीं होगी। फाइनल विजेता का निर्धारण लास्ट में कर दिया जाएगा। तो मैंने ये 4 टीम्स बना दी है, ए बी सी और टी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ए टीम से। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट टीम से। स्वच्छ भारत मिशन सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2014। पूरी डेट बताइए। 2 अक्टूबर 2014। आप लोगों में से चारों में से एक ही बच्चा जवाब देगा। हाँ, आपस में बात करके एक ही बच्चा जवाब देगा। हाँ, सही जवाब। राइट आंसर के द्वारा तालियों से इनका स्वागत किया जाए। 10 नंबर ए टीम को। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बी टीम से पूछा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान किसने प्रारंभ किया, किसने शुरू किया, स्टार्ट किया? Our respected Prime Minister नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर बी टीम को। तालियों से बच्चों का जोश बढ़ाते रहिए। तीसरा क्वेश्चन सी टीम से। स्वच्छ भारत मिशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने घटक हैं, नाम बताइए सी टीम के द्वारा। टाइम स्टार्ट हो गया भाई। स्वच्छ भारत मिशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम बताइए। बच्चों सोचिए, जल्दी जवाब दीजिए। केवल 5 सेकंड रह गए हैं सी टीम के पास। 5 4 3 2 1 स्टॉप। स्टॉप, टाइम अप। टाइम सब। अब ये प्रश्न डी टीम को दिया जाएगा। स्वच्छ भारत के कितने घटक हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं? टाइम स्टार्ट। हाँ भाई, डी टीम जवाब दे रही है। डी टीम जवाब नहीं दे। फोर कंपोनेंट्स। गलत जवाब है। गलत जवाब। टीम ए, टू कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्रामीण एंड अर्बन।
बिल्कुल सही जवाब दिया है, राइट आंसर है ग्रामीण और शहरी अर्बन, और पांच नंबर टीम ए को, 15 नंबर हो गए टीम ए के। टीम डी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब। टीम डी, स्वच्छ भारत का लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वच्छ भारत का लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है? डी टीम, मैडम ये भी कंफर्म कर दें, गलत जो जवाब देते हैं उनकी माइनस मार्किंग है कि नहीं है? नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है। ओके मैडम, एनसीसी कैंडिडेट एक बार इधर आ जाएं सभी। हाँ डी टीम, आपका टाइम शुरू हो गया है, केवल 30 सेकंड दिए जाएंगे। लोगो बताइए स्वच्छ भारत का, थोड़ा जल्दी कीजिए बच्चों। आप लोग जवाब बाद में दीजिएगा, ठीक है ना? अभी बच्चों को जवाब दीजिए जो टीमें शामिल है। बोल रहे हैं वो चश्मा। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है, राइट आंसर। भारत का लोगो गांधी जी का चश्मा है। टीम डी को 10 नंबर। डी टीम डी के 10 नंबर जी। चलिए एक राउंड हमारा, चार क्वेश्चन का खत्म हो गया है, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और टीम ए के द्वारा पूछा जा रहा है। भारत में खुले में शौच मुक्त का उद्देश्य, शौच मुक्त ODF का लक्ष्य, का ऑब्जेक्टिव कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? 2026। नो, गलत। 2019। आप गलत बोल गए और ये क्वेश्चन आपने बाद में सही जवाब दिया है, इसलिए क्वेश्चन हम लोग बी टीम को देते हैं। बाद में सही क्यों बोला? बी टीम बताइए। 22। हाँ, रॉन्ग आंसर दिया आपने पहले, इसलिए पास किया जा रहा है टीम बी को। चलिए कैंसिल करते हैं भाई। आप लोग बच्चों सोच समझ के ही जवाब दीजिए, पहले बार जवाब देते ही आपका वो जवाब मान लिया जाएगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी टीम से, स्वच्छ भारत मिशन 2 कब लागू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन 2 कब लागू किया गया है? 2nd October 2020। नो, रॉन्ग आंसर। 2nd October 2019। फर्स्ट चांस। सी टीम को नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरा पूछो। सी टीम आंसर दीजिए। सी टीम जवाब दे रही है 2 अक्टूबर 2016। गलत, रॉन्ग आंसर। डी टीम 2 अक्टूबर 2018। गलत, रॉन्ग आंसर। अब ए टीम 2 अक्टूबर 2021। बिल्कुल राइट आंसर, ए टीम ने 2 अक्टूबर 2021। पांच नंबर और दिए जाएंगे टीम ए को। हाँ, अब प्रश्न पूछा जाएगा टीम सी से। टीम सी तैयार है? हाँ बोलिए। हमारे देश में पहली बार स्वच्छ भारत मिशन कहाँ शुरू किया गया था? देश में पहली बार स्वच्छ भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया था? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब सी टीम के, राइट आंसर। तालियां बजा के बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। 10 नंबर। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है
टीम डी से स्वच्छ भारत मिशन कौन से पूर्व कार्यक्रम का पुनर्गठन है? स्वच्छ भारत मिशन कौन से पहले वाले कार्यक्रम का पुनर्गठन रीस्ट्रक्चर है? बताइए कौन से कार्यक्रम का वर्जन है? टाइम सब स्टार्ट हो रहा है आपका टाइम। टाइम शुरू हो गया। 30 सेकंड दिए जाएंगे जवाब देने के लिए। बताइए बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी। स्वच्छ भारत अभियान जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो कौन से कार्यक्रम का पुनर्गठन है, रीस्ट्रक्चर किया गया है उसको? टाइम हो गया। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। हाँ भाई, ए टीम। निर्मल भारत अभियान। बिल्कुल सही बताया है ए टीम ने। 5 नंबर और। वेरी गुड। शानदार तालियां, शानदार जोरदार तालियां भाई। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बोल पंडित जी महाराज की जय। चलिए अब दोबारा हम लोग थर्ड राउंड शुरू करते हैं और टीम ए, आप लोग का ना, टीम ए से पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर? ए टीम, ए टीम, राष्ट्रीय युवा दिवस, आप लोग सब युवा हो ना, कब मनाया जाता है और कौन से महापुरुष की जयंती पर? ए टीम, टीम ए। टाइम स्टार्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हाँ भाई सोचिए टीम है, बड़ा शानदार प्रदर्शन है आपका, थोड़ा सोचिए। माइक माइक। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ये क्वेश्चन बी को पास हो गया भाई। बी। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट। 2 अक्टूबर विवेकानंद जयंती। 2 अक्टूबर गलत बताया बेटा। रॉन्ग आंसर। सी टीम, सी टीम, पूरा जवाब सही होना चाहिए, आधा जवाब सही होने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे। सी टीम जवाब दे सकते हैं, पास किया जाता है डी टीम को। राष्ट्रीय युवा दिवस है जवाब। 12 जनवरी। आगे 12 जनवरी किस जयंती पर, किस महापुरुष की जयंती पर? विवेकानंद जयंती। बिल्कुल सही बताया है टीम डी, राइट आंसर। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया डी ने। डी डी। 15 नंबर मैडम, 15 नंबर कीजिए। टीम डी के 15। डी टीम ने सही जवाब दिया है। अब कौन सी टीम पूछेगी, कौन सी टीम? कौन सी टीम, कौन सी टीम, कौन सी टीम? नेक्स्ट बी टीम। बी टीम के द्वारा, बी टीम के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, ध्यान से सुनिए आप लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर ग्रह कौन सा है? जुपिटर। बिल्कुल सही राइट आंसर। से 10 नंबर बी टीम को। ए टीम 25, बी टीम 20, सी टीम 10 और डी टीम 15।
अभी तक विनर है ए टीम। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी टीम से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? एरिया वाइज राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही, राइट आंसर। राजस्थान एरिया वाइज। तालियां तालियां, जोरदार तालियां भाई बच्चों के लिए, यह आपका कंपटीशन है, तालियां बजाते रहो, हौसला बढ़ाइए बच्चों का।